प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती बहन नाजिया लाई खान जी को, जो कि इंटरव्यू देंगी एक्स मुस्लिम साहिल को, जिनका एक बहुत ही जबरदस्त यूट्यूब चैनल है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके इंपॉर्टेंट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। कि ये जितनी भी हिजाबन जिहादन है, अगर वाकई में इनको इस्लाम इतना पसंद है, मेरे लिए भी इस्लाम बहुत प्यारा है, और वाकई में इस्लाम पसंद है इन हिजाबन जिहादन को भी, तो ये लोग सर्वोच्च न्यायपालिका में एक याचिका क्यों नहीं दायर करते हैं कि हम प्रॉपर इस्लामिक लॉ को मानेंगे और जिसमें इंक्लूडिंग इस्लामिक पनिशमेंट भी होगा। आधा अधूरा क्यों मानना? आधा अधूरा मानने की तो जरूरत नहीं है। हमारे अल कुरान में मजार परस्ती को गुनाह कहा गया है, तो ये हिजाबन जिहादन और ये दाढ़ी टोपी वाले, ये चवन्नी अठन्नी लोग, ये क्यों नहीं सर्वोच्च न्यायपालिका में एक याचिका डालते हैं कि हम मजारों को तोड़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा अल कुरान मजार परस्ती को गुनाह बोलता है। छोटे छोटे चीजों से स्टार्ट करें ना भाई। सिविल लॉ में हम सरिया एंटर करेंगे और क्रिमिनल लॉ में हम भारत का कानून मानेंगे, क्योंकि उसमें बेल के प्रावधान है। अभी प्रयागराज में एक मदरसे के अंदर फेक नोट करेंसी का प्रिंट हो रहा था। एक मुल्ला बाहर निकल करके बोलता है बच्चों से नादानी हो गई। प्रयागराज में इमाम रिजवान ने एक 10 साल की मुसलमान बच्ची का रेप किया मस्जिद के अंदर, क्योंकि वो दीनी तालीम लेने के लिए जाती थी। क्या कोई निकला कि गुस्ताख रसूल की सजा होगी, इमाम रिजवान की और सरतन से जुदा होगी, उसको इस्लाम से बॉयकॉट किया जाएगा? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब कि मुसलमान रेप करेगा तो उसके औजार नहीं काटे जाएंगे इस्लामिक पनिशमेंट के हिसाब से, मुसलमान चोरी करेगा तो उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे इस्लामिक पनिशमेंट के हिसाब से। और 1947 से लेकर के 78वें साल में हम भारत की आजादी में हम एंटर कर चुके हैं, इस 78 साल में एक भी ऐसा मुसलमान पैदा नहीं हुआ जो ये कहे जाकर के सर्वोच्च न्यायपालिका को और केंद्र की सरकार को कि हमको पूरा इस्लाम मानना है, जिसमें मजार परस्ती नहीं होगी, जिसमें फिरका परस्ती नहीं होगी और जिसमें इस्लामिक पनिशमेंट भी होगा। तो मैं इन चवन्नी अठन्नियों को तो बिल्कुल भी मुसलमान नहीं मानती हूँ। मैं तो इनको ये बस कारोबार कर रहे हैं, कोई सर पर हिजाब लगा करके कारोबार कर रही है पूरा मेकअप करके, और कोई टोपी और दाढ़ी लगा करके अपना कारोबार कर रहा है। द थर्ड थिंग इज, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर बिटिया पर आ जाऊंगी। द थर्ड थिंग इज कि अभी हेमंता बिस्वा शर्मा ने आसाम में कहा कि भाई विधानसभा के अंदर जो 2 घंटे का जुमा की नमाज के लिए ब्रेक मिलता था वो अब आपको नहीं मिलेगा, आप ऐसे जाना चाहें तो जा सकते हैं। बिल्कुल, हम भी कोर्ट जाते हैं, हमें भी रमजान में अगर 5 बज जाता है 4 बज जाता है, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो ही जाता है कि कभी लेट हो जाती है, तो हम अपने जूनियर्स पर या अपने सीनियर पर काम छोड़ करके हम पीछे से निकल जाते हैं अफ्तार करने के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि 8 घंटा 10 घंटा हम चैनल्स नेशनल न्यूज डिबेट्स में होते हैं, और वो 8 घंटा 10 घंटा हमारे मौलवी मुल्ला मुफ्ती कारी मुजाबिर इमाम हाफिज कुरान भी होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी होते हैं, तो ये पाबंदी से वक्त पर नमाज कब पढ़ते हैं? ये तो टीवी पे चमकते रहते हैं। हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन हिम, उनका तो कोई चित्र नहीं है, उनकी तो कोई छवि नहीं है, उनका तो कोई फोटो नहीं है, फिर आप क्यों फोटो कर रहे हो? आप क्यों फोटोबाजी में लगे हुए हो? क्या मतलब उठता है? यूट्यूब का पैसा हराम है पर सारे मौलवी मुल्ला मुफ्तियों का यूट्यूब चैनल चल रहा है, तो ये कौन सा इस्लाम मान रहे हैं? ये तो चुटिकबाज मुसलमान है। मैं तो इनको मुसलमान नहीं मानती। मैं उस मुसलमान को मुसलमान मानूंगी जिस दिन मुसलमान पुरुष खुद निकल करके बाहर आएगा और कहेगा कि फलाना मुसलमान ने रेप किया है, हम इसको इस्लाम से बॉयकॉट करते हैं और इसको इस्लामिक तरीके से इसका औजार कटवाते हैं और इसको बीच मजलिस में खड़ा कर करके पत्थर मार मार करके इसकी हत्या की जाएगी, जो इस्लामिक पनिशमेंट है,
जिस दिन जो मुसलमान पुरुष ये निकल करके आकर के बोलेगा, मैं उसको सलाम करूंगी और मैं कहूंगी कि भारत में कोई मुसलमान है जो सच्चा है और अल्लाह तबारक ताला के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत रसूल पर चल रहा है और अल्लाह तबारक ताला की बातों को मान रहा है, मैं तो तब मानूंगी ना। मैं क्यों मानू इन मुसलमानों को मुसलमान जी। अब आते हैं डॉक्टर बेटिया पर। 9 अगस्त था और मैं इंदौर में मेरी सभा थी और एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव था। अचानक से एक पॉपअप आता है मेरे फोन पर, फोन की घंटियां बजते बजते मतलब फोन गर्म हो जाता है कि दीदी ऐसा ऐसा हो गया। इंदौर से फिर मेरा दौरा था महाराष्ट्र, नागपुर, पुणे, ये सब, महाबलेश्वर, ये सब मेरा दौरा था। उस सबको कवर अप करते करते जब मैं बंगाल पहुंची, हालांकि मैं पूरे अपडेट्स भी ले रही थी और इस मुद्दे पर न्यूज पर भी बैठ रही थी, जब मैं बंगाल पहुंची तब मैंने विस्तार में सब कुछ पता किया। बेसिकली ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो लोग काम कर रहे थे उनको पहले से ही पता था कि आर्जिकल हॉस्पिटल में किस हिसाब का स्कैम चल रहा है। 2021 से 2024 तक में आर्जिकल हॉस्पिटल में 7 सुसाइड और भी हो चुका था। अब 7 सुसाइड, हाँ, अब वो भी क्वेश्चन मार्क में है कि क्या वो सुसाइड था सिर्फ या वो मर्डर था और रेप भी था, क्योंकि 7 सुसाइड जो 2021 से 2024 में हुआ है उसमें कई महिलाएं भी थी जिसको सुसाइड का नाम दिया गया। मेरा रूह तब कांप गया जब डिजीज्ड जो मेरी डॉक्टर बिटिया का मृत्यु हुआ है उनकी माँ का इंटरव्यू जब मैंने देखा, जब वो रो रही थी, कलप रही थी और कह रही थी कि आंखों से कांच निकले हैं, हाथ की उंगलियां तोड़ दी गई हैं और दोनों पैर तोड़ दिए गए हैं, टेलबोन तोड़ दिया गया है, नेक तोड़ दिया गया है, जॉलाइन तोड़ दिया गया है, पोस्टमार्टम के वक्त भी आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी, वर्जाइना से ब्लीडिंग हो रही थी और कान कटे हुए थे। जब मैंने ये सुना है मेरा कलेजा दहल गया और कहीं ना कहीं शायद मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये कोई साधारण रेप की घटना तो नहीं है। नहीं है, मतलब, नहीं है ऑब्वियसली, मतलब एक बेवड़ा जा रहा है, उसको एक लड़की नजर आ गई है, चलो हम अपनी ठरक मिटा लेते हैं, हम मुगले आजम के ठरके आजम बन जाते हैं और अपना डिस्चार्ज कर लेते हैं। ये वो नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। हालांकि मेरे 2 दिन की सभा और महाराष्ट्र में बाकी थी, मैंने इमीडिएट उसको कैंसिल करवाया और फिर मैं बंगाल आई और उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं तह में अंदर जाती गई तब फिर मुझे और फिर सारे न्यूज में भी आता गया कि भाई आर्जिकल हॉस्पिटल में तो एक जमाने से पोर्नोग्राफी का काम चल रहा था, आर्जिकल हॉस्पिटल में एक जमाने से ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम चल रहा था, आर्जिकल हॉस्पिटल में एक जमाने से बायोकेमिकल स्कैम का कारोबार चल रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग का काम चल रहा था, इंटरनेट डॉक्टर्स के साथ अभद्र हरकतें बहुत जमाने से डरा करके धमका करके चल रही थी, बहुत जमाने से नशे का व्यापार चल रहा था और 3 बार संदीप घोष जो अभी सीबीआई की हिरासत में है उसका 3 बार ट्रांसफर आता है पर वो कालीघाट में जाकर के माथा टेकता है और बस उसका ट्रांसफर रुक जाता है, बस उसका ट्रांसफर रुक जाता है। संदीप घोष के ऊपर पिछले 1 साल से कई ऐसे पूर्व वहां के जो अधिकारी हैं आर्जिकल हॉस्पिटल के वो ममता बनर्जी की सरकार को कंप्लेन लेटर्स दे रहे थे, मेल कर रहे थे, पुलिस प्रशासन को मेल कर रहे थे, पर संदीप घोष का ना ट्रांसफर हो रहा था, ना उसको सस्पेंड किया जा रहा था और ना ही उस पर कोई कार्रवाई हो रही थी और वो माफिया डॉन की तरह वो आर्जिकल हॉस्पिटल में एक हॉरर कार्रवाई और हॉरर स्कैम और एक हॉरर सिनेरियो सर्कमस्टांसेस को वो आराम से चला रहा था। अब ऐसे मौके पर ममता बनर्जी से अगर अगर सवाल ना किया जाए तो हम किससे सवाल करें?
वही है ना मुख्यमंत्री, और उनको तो पहले भी चिट्ठियां दी गई हैं, उनको तो पहले भी सारे इंफॉर्मेशन दिए जा रहे थे, तो वो कहां सोई हुई थी, कौन से नींद का टैबलेट उन्होंने खाया हुआ था। अब क्या है कि ये बच्ची बहुत सारे रहस्य को जान चुकी थी। इस बच्ची को 38 घंटे ड्यूटी करवाई जाती थी मेंटली टॉर्चर करने के लिए, फिजिकली टॉर्चर करने के लिए, फिर भी ये बच्ची जो थी ये अटल थी कि भैया हम तो बोलेंगे तुम लोगों का सारा कार्यक्रम। इसको मारना तो था ही, मारना तो था ही इसको, लेकिन वो तय था साहिल, वो तय था कि इसको इसका तो मुंह बंद करवाना है, लेकिन सिर्फ अगर मर्डर होता तो सुसाइड जो है वो गेम प्लान जैसे साथ के साथ हुआ वो इसके साथ हो नहीं पाता, बहुत बड़ी घटना हो जाती और डायरेक्ट मर्डरर को ढूंढा जाता और वजह ढूंढी जाती। लेकिन इसको डाइवर्ट करने के लिए, और क्योंकि महिला भी थी तो डाइवर्ट करने के लिए भी और थोड़ा मजा ले लेने के लिए भी इसका रेप भी किया गया, ताकि जनता ये प्रोटेस्ट करते रहे और सबको ये बोलता रहे कि रेप हुआ रेप हुआ रेप हुआ, और जो मेन जो मुद्दा था वो छुप जाता और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार जो है वो बच जाती, क्योंकि हमारे भारत में एक दिन में 86 से ऊपर रेप होते हैं जो FIR होते हैं, इसके अलावा कितने हो जाते हैं जिस पर FIR भी नहीं होते हैं, ठीक है, तो सारे एक दिन के 86 रेप में ये भी काउंट हो जाएगा और जो मेन मुद्दा है वो बिहाइंड द कर्टन वो छुप जाएगा। ये पूरी स्ट्रेटेजी और ब्लूप्रिंट रेडी था। अब क्योंकि प्रोटेस्ट इतना ज्यादा हो गया, सिर्फ राज्य नहीं सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया साथ में आ गई इस प्रोटेस्ट के, स्वीडन में प्रोटेस्ट हो गया, इटली में प्रोटेस्ट हो गया, अमेरिका में प्रोटेस्ट हो गया, US में प्रोटेस्ट हो गया, मतलब दुनिया के हर कोने में डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, और जिस पाकिस्तान को हम रोज गालियां देते हैं उस पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने पोस्ट किया और डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए आवाज उठाई, जिसमें से एक जम्मू एंड कश्मीर की POK की जो महिला है पाकिस्तानी, उसको तो ब्लास्फेमी के इल्जाम में अरेस्ट भी कर लिया गया है कि उसने भारत की डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ क्यों मांगा। अब ये प्रोटेस्ट की वजह से क्या हुआ कि भाई रेप का एक आरोपी सिविक पुलिस। अब सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है ममता बनर्जी पर कि आप कैसे पुलिस को आप रिक्रूट करती हैं, जो पोर्नोग्राफी देखता है, जो प्रोस्टिट्यूट एरिया जाता है, जो नशा करता है, जो गंजेड़ी है नशेड़ी है, बीवी को मारता है और उसके बाद फिर पेट में ही बच्चा मार डालता है, और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई बीवी और सास ससुर करने के लिए जाते हैं वो पुलिस वाले उसका बीवी का और सास ससुर का कोई कंप्लेन नहीं लेते हैं, और संजय रॉय जो प्राइम एक्यूज है उसको पुलिस डिपार्टमेंट बचाता है, उसको थाना बचाता है, वो कमिश्नर का कोलकाता पुलिस कमिश्नर की बाइक को इस्तेमाल करता है, मतलब एक सिविक पुलिस का इतना मतलब अधिकार कैसे हो सकता है, और ये कैसी होम मिनिस्टर वेस्ट बंगाल है जो ऐसे ऐसे नशेड़ी ऐसे ऐसे गंजेड़ी ऐसे ऐसे आवारा अब्दुल्ला को उन्होंने अपने सिविक पुलिस में रिक्रूट किया है। अब वो तो अरेस्ट हो गया, अरेस्ट होने के बाद जब उसको ये पता चला कि भैया अब तो फांसी का डिमांड हो रहा है, अब तो बात फांसी की आ रही है, अब संजय रॉय बहुत परेशान हो गया कि अब फांसी हो जाएगी मेरी, अब तो प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, तब संजय रॉय उगलना स्टार्ट किया कि भाई मैं इसमें अकेला नहीं हूं, मेरा पॉलीग्राफी टेस्ट करवाओ, मैं इसमें अकेला नहीं हूं और जो लोग हैं उसको बुलाओ। अब तो वो समझ गया कि भैया अब तो मुझे तो बलि का बकरा बना दिया गया है, मुझे तो समझा बुझा करके अरेस्ट करवा दिया गया है, मैंने अपना गुनाह एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन जो मेन आरोपी है वो तो अभी भी अय्याशी पहल रहे हैं, वो तो अभी भी बड़ी मस्ती में बंगला में है। तो उसने सियालदा कोर्ट में खड़े होकर के उसकी वकील ने कह दिया कि भैया मेरा जो क्लाइंट है जो इस केस का प्राइम एक्यूज्ड अभी है वो अपनी पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहता है और वो सत्य बोलना चाहता है कि वो इसमें अकेला नहीं था। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने उस डॉक्टर बिटिया के लिए आवाज उठाई और उस पूरे केस के बारे में अपडेट दिया कि उस केस में अब
क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इस पूरे केस में डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए आप जरूर आवाज उठाएं और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।